अस्सलाम वालेकुम, आई एम अदीला ज़ाहिर, क्रिएटर ऑफ दिस चैनल आर्टिस्ट आर्ट वैली। दिस चैनल इज स्पेशली फॉर फाइन आर्ट स्टूडेंट्स एंड आर्ट लवर्स हु वांट टू लर्न ड्राइंग एंड पेंटिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं अपने बेसिक वाटर कलर आर्ट लेसन की तरफ। ओके, तो आज मैं स्टूडेंट लेवल के पेलिकन वाटर कलर इस्तेमाल करूँगी जो कि मैंने अपनी यंगर एज में अपनी आर्ट टीचर मिसेस नैयर से करना सीखे। और जो ब्रशेस मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो हैं गोल्डन सेबल एंड विंसर आर्टिस्ट ब्रश। सो इन टुडेज लेसन वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ अ ट्री इन वाटर कलर। एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस ट्री। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। सो व्हेनेवर यू ड्रॉ एनीथिंग ऑन द पेपर द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इन द मिडल। आप देख रहे हैं कि मेरा ट्री थोड़ा सा साइड पे है, वो बिल्कुल मिडल में नहीं है। और जब भी आप ड्रॉ को ड्रॉ करें, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप उसको थिनर करते जाएंगे और ब्रांचेस उससे भी थिन हो जाएंगे। In this lesson, you will also learn which color you should choose to apply for background, mid and foreground. Now here I'm using a Winsor brush, number 2. But first I am making it wet. इसको गीला कर लें। अब आप अपने ब्रश की मदद से शीट को वेट कर लें without using any color. So now I'm making all the sky area wet in the middle of the branches, behind the tree, जहाँ जहाँ मैंने आसमान बनाना है उसको पानी से गीला कर रही हूँ। वाटर कलर में सबसे पहले हल्के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर मिड और फिर डार्कर वैल्यू एप्लीकेशन होती है। While it is wet, I'm applying blue color. ऊपर से आसमान थोड़ा डार्क होता है और जैसे जैसे आसमान नीचे आता है इट विल बिकम लाइटर। द शीट आई एम यूजिंग इज कलर शीट दैट इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स टू डू देयर प्रैक्टिस। अगर आप स्कॉलर शीट को वाटर कलर की प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये शीट ज़रा थिन होती है। जैसे जैसे स्काई में हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे द कलर विल चेंज फ्रॉम डार्कर टू लाइटर वैल्यू। अब बैकग्राउंड ट्रीज के लिए हम लाइट ग्रीन एंड टील ब्लू यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्लाइंग वाटर इन बैकग्राउंड ट्रीज। थोड़ा सा पर्पल भी यूज करेंगे मिक्सिंग विद ब्लू। और उसका वाटरी सा बनाना है, उसको बहुत ज़्यादा थिक कलर एप्लीकेशन नहीं करनी क्योंकि जैसे जैसे कलर आगे आएंगे वो थिक भी होते जाएंगे और थोड़े ब्राइट भी होते जाएंगे। टू क्रिएट डेप्थ आप पर्पल और ब्लूज़ यूज़ करें जो कि दूर के दरख्त हैं। और जैसे जैसे आप आगे आएंगे आप वार्मर वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जिसमें येलो ऑकर रेड्स आएंगे। नाउ आई कम टू द मेन ट्री। लाइट सोर्स जो है वो लेफ्ट साइड से है तो मैं
लेफ्ट साइड से ही लाइट और वैल्यूज की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दूंगी। इस चीज़ का बहुत ध्यान करें कि आपने पानी कितना यूज़ करना है, और ब्रश को अपनी शीट के अगेंस्ट रब ना करें ताकि आपकी शीट डैमेज ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपनी मिड वैल्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्ट्रोक्स। आप देख सकते हैं कि मैं गैप्स, थोड़े थोड़े गैप्स देकर और ब्रश को बिल्कुल फ्लैटली यूज़ नहीं कर रही, बल्कि मैं स्ट्रोक्स दे रही हूँ। सो नाउ वी आर कमिंग टू मोर डार्क वैल्यूज। ग्रीन में मैंने थोड़ा ब्लू ऐड करके उसको थोड़ा डार्क वैल्यू बना दिया। यू कैन सी हियर अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन लाइट, मिड एंड डार्क वैल्यूज। और इसी रूल को फॉलो करते हुए आप इजीली थ्री डायमेंशनल फॉर्म बना सकते हैं। दीज आर सिंपल बेसिक रूल्स। इफ यू रियली वॉन्ट टू लर्न, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जस्ट आपको माइंड बनाना है और अपना पेपर रखें। नेट पे आपको हजारों लाखों पिक्चर्स मिल जाएंगी ट्री की। आप अपने कलर्स निकालिए एंड स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे डार्केस्ट डार्क बना रही हूँ, तो इसमें मैंने ब्लू की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है और ग्रीन की कम। सो नाउ आई एम गिविंग सम इरेगुलर शेप्स टू माय ट्री लीव्स, एडिंग मोर डार्क्स। अब दरख्त के तने को मैं राइट साइड से डार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमारी लाइट सोर्स लेफ्ट साइड से है। एंड अगेन अप्लाइंग लाइटर वैल्यूज टू माय ट्री ट्रंक। Thank you.
अब मैं तने को और डार्क कर रही हूँ राइट साइड से, क्योंकि पत्तों का साया तने के ऊपर भी आएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। If you learn something new, please like and subscribe to my channel, and let me know in the comment section that what you want from me to do in next video. जाते जाते मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, चाहे वो वाटर कलर हो, ऑयल हो या पेस्टल्स में हो। आई वेट फॉर योर कॉमेंट्स एंड आंसर्स। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।